Hello students, how are you? So today we are going to start chapter number 6 of a computer book, that is More on Word 2016. So let's read it. Microsoft Word is the most important word processing office application used by students, teachers, IT professionals and companies etc. around the world. So Microsoft Word जो है वो सबसे ज़्यादा important सॉफ्टवेयर है जो ऑल ओवर द ग्लोब यूज़ होता है. किस काम के लिए? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए या रिटन फाइल्स बनाने के लिए. इन द डॉक्यूमेंट यू कैन मेक एज मैनी चेंजेस एज यू कैन. यू कैन मेक योर डॉक्यूमेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग इट्स डिफरेंट टूल्स. सो डॉक्यूमेंट्स में आप जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हो और आप आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आई कैची बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हो और टूल्स भी यूज़ कर सकते हो. सो लेट अस लर्न टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव एंड सफिस्टिकेटेड. हाउ कैन वर्ड 2016 हेल्प विथ फॉर्मेटिंग? सो फॉर्मेटिंग का मीनिंग होता है मेकिंग चेंजेस टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव. सो वर्ड 2016 में आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, मीन्स ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हो जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स और भी अच्छी दिखें. सो लेट्स स्टार्ट. वर्ड 2016 हैज सेवरल टूल्स टू हेल्प यू विद फॉर्मेटिंग. द आइटम्स ऑन द फॉर्मेट टैब, बटन्स ऑन द टूल बार एंड शॉर्टकट कीज हेल्प यू फॉर्मेट टेक्स्ट क्विकली एंड ईजीली. सो जो फॉर्मेट जो एक ऑप्शन मिलता है आपको, लाइक होम रहता है, फाइल रहता है और बहुत सारे डिज़ाइन रहता है, तो एक फॉर्मेट भी अवेलेबल होता है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में. सो जैसे ही आप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऐसे टूल बार आ जाते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो. स्टाइल्स अलाउ यू टू डिफाइन फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट एंड अप्लाई देम क्विकली एंड ईजीली. जो टेक्स्ट स्टाइल रहती उसको आप स्टाइल्स की हेल्प से चेंज कर सकते हो. जो स्टाइल्स अवेलेबल रहती है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो. लाइक अगर आपको हेडिंग लिखना है या कुछ भी इम्पोर्टेंट लिखना है तो आप उसके अलग तरीके से लिख सकते हो, या आपके डॉक्यूमेंट में बीच में आपको कोई कोट डालना है तो उसे भी आप अलग तरीके से लिख सकते हो. सो इट लुक्स द सेम एज इट इज़ शोन इन द बुक. जैसे बुक की फर्स्ट इमेज में दिख रहा है नॉर्मल, नो स्पेस, हेडिंग वन, हेडिंग टू, टाइटल, वैसे ही आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में भी दिखता है. नेक्स्ट, टेम्पलेट्स अलाउ यू टू डिफाइन ऑल द स्टाइल्स दैट यू यूज फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ राइटिंग, एग्जाम्पल एन एसे और अ लेटर. सो जो टेम्पलेट्स रहते हैं वो रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स रहती है जिसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते करके, लाइक टेक्स्ट का चेंजेस कर करके आप उसको यूज़ कर सकते हो. सो इसमें टेम्पलेट्स में आपको ऐसे राइटिंग का अवेलेबल रहता है, एक लेटर का फॉर्मेट अवेलेबल रहता है और भी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं लाइक ग्राफ, पाई चार्ट, उसका फॉर्मेट अवेलेबल रहता है. यू कैन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट मेनली बाय यूजिंग फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब. सो फॉर्मेट करने के लिए आप उसको फॉन्ट ग्रुप यूज़ कर सकते हो या पैराग्राफ ग्रुप यूज़ कर सकते हो. Using mini toolbar for formatting. The mini toolbar is a smaller version of a full toolbar found near the top of the application window. The mini toolbar appears when you highlight text or move your mouse cursor over the highlighted text or right click on the highlighted text.